अब तवाफ
शुरू करता है। जब दबाव शुरू किया जाता है तो ये जो बाया काना उल्टा काना होता है ये काफी खुला के काम होता है। हालांकि अब गाँव से जो रिवायत है कि मैं उसको सुनता हूँ अभी उस सिस्टम को हर अमल सीधी जानी से करने में पसंद बिल्कुल तैयार हूँ। हदीस के अंदर आता है अल्लाह के रसूल हर काम को सीधा करना पसंद होता है, लेकिन तवाब का यह अमल है कि इस अमल के अंदर उल्टी जानी ऐसा क्यों? इसमें क्या हिम्मत है? किसी से लिखता है कि इंसान का जो दिल होता है वो उल्टी जारी होता है। तब हम इज्जत ये बात बंदों के जहन में डालना चाहते हैं कि उल्टी जारी तमाम शुरू करने का मकसद ये है कि तुम्हारा दिल और हमारे काम पूरा एक हो जाए और हमारे मोहब्बत हमारे दिलों को यह अल्लाह हम इज्जत यहाँ पर बंदों को तहकीन और ये इशारा दे रहे हैं। तो हज के सफर के अंदर दुआओं का अहतमाम ये ज्यादा जरूरी है। अब जब तवाब मुकम्मल हो गया आपकी जब आग का इंतजाम हो गया उसके अंदर पढ़ने की दुआएं तीसरा कल्पा पढ़ना तीसरा कल्पा। अब बहुत सारे जब ट्रेनिंग देने वाले आएंगे तो बहुत सारी बातें बताएंगे तवाब के पहले चक्कर में रोमाना पढ़ना है, दूसरे चक्कर में इस्तिफा करना है, तीसरे चक्कर में जिक्र करना है, चौथे में दो शेर पढ़ना है, पांचवें में पूरा करना है। सुन्नत करीब का तवाब का ये है कि पहले चक्कर में हर चक्कर हजर अस्वद से लेकर रुकन यमानी तक तीसरा कलमा पढ़ना और रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक पढ़ना है। ये सुन्नत करीब का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साथ तवाब के खत्म होने के बाद पीछे वो तस्वीर लगी हुई है मकाम इब्राहिम। कोई भी मौके पर जाओ चाहे वो दिन का वक्त हो कि रात का शुरू का हिस्सा हो कि दरमियान का हिस्सा हो वहाँ पर सुकून से नमाज पढ़ने का कोई मौका नहीं है। इतने तवाफ होने के बाद जो मकाम इब्राहिम के ऊपर दो रकअत नमाज पढ़ी जाती है कोई इत्मीनान से हमको पढ़ने का मौका नहीं है। हालांकि पढ़ना वहाँ सुनत है सुनत है, अगर मौका मिल जाए तो गनीमत है, नहीं मिले तो मकाम इब्राहिम से पीछे की जानी पढ़कर या उस जगह पर जहाँ पर सही भी ले जाते हैं वहाँ पर खड़े होकर दो रकअत नमाज पढ़ना है, फिर अल्लाह से दुआ करना है, फिर खूब सैर होकर जमजम की तरफ सफ़र की तरफ जाना। सफ़र की तरफ जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता वो है जो ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाता है और एक रास्ता वो है जो पहली मंजिल की तरफ जाता है। अब अगर पहली ग्राउंड फ्लोर पर जो सफा होना हुआ है अगर वो उस पर सही करे तो आसानी के साथ मतलब उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो उसको सफा और मरवा की सही के बाद अपने बालों को मुहाना है। और अगर ऊपरी मंजिल से वो अगर सफा और मरवा की सही करता है तो उसको उस जगह पर पीछे की जाने छोड़ा जाएगा सफा मरवा आप नबी के नबी के पास छोड़ा जाएगा जो तो दो तरफ जाने के और वहां पर सफा मरवा की सही करने की गुजारिश है। अब सफा मरवा की सही करते वक्त जब सफा की तरफ चढ़ेंगे तो एक दुआ है कि बदा तो बिस्मिल्लाह ही बिसफा इन सफा व मरवा मिन शाअकिल्लाह। अगर याद हो अरबी में नहीं याद हो तो मैं सफा की जाने करता हो तो सफा और मरवा ये अल्लाह की शाइर का एक हिस्सा ये। अब सफा में जब खड़े रहेंगे तो उसको शुरू करने से पहले दुआ पढ़ना है अल्लाह के सामने खड़े हो तो वहाँ पर काफ़ी आसानी के साथ ही जाता है सफा की चोटी से उसके सामने खड़े होकर दुआएं करना है। अब सफा की इब्तिदा होती है उस सफा से मरवा एक चक्कर होता है। बहुत सारे जो नई नई पहली मतलब आ जाते हैं तो इस तरह समझते हैं कि सफा से मरवा फिर मरवा से सफा एक चक्कर होता है ऐसा वो चौथा चक्कर लगा देते हैं। इसमें कम अज कम अगर इतमान किसी ने अगर सफा मरवा की सही करे तो एक घंटा बीस मिनट एक घंटा बीस मिनट। अब अगर एक घंटा बीस मिनट करता हो तो बंदा ये समझता है कि सफा से मरवा मरवा से सफा एक चक्कर होता है तो कितने बीस मिनट से चला तो दो घंटे लग जाएंगे तो वो इबादत इबादत हुई नहीं और वो सही सही नहीं हुई उसके दो घंटे इसे दौड़ने में चले गए। इसलिए वो इबादतों को एकदम ध्यान रखकर करना है कि सफा से मरवा ये एक
सफा हवा की पहाड़ी थी वो इस ऐसी प्लेस ऐसा से चढ़ाक ना हो ऐसी भी चढ़ाक की दरमिया के अंदर सफा एरिया था। तो जब हजरत हाजरा अली सलाम से सलाम ऊपर को जाने चलती थी तो इस्माइली क्या कहते थे कड़क के होते, लेकिन जब वो नीचे उतरती थी तो जो दरमियान का तो चढ़ाक वाला हिस्सा नहीं था वहाँ हजरत हाजरा हजरा को हजरत इस्माइल नजर नहीं आते थे तो वो उस दरमियान में दौड़ती थी। तो उस दौड़ने को अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर उमरा करने वाले को हर हर हज करने वाले को उसको फर्ज सजा दिया। ये उसको ऊपर फर्ज ये हो गया वहाँ पर दोनों मर्दों के लिए नहीं मर्दों के लिए औरतों के लिए भी नहीं क्योंकि उनकी जानी से जो हाजरा पहले से ही दौड़ चुका पहले हाजरा उसका सफा और मरवा की सही हजों में हो गई। अब जब वो हलक करने के लिए आएगा तो यहाँ पर उलमा इत्तेफाक फरमाते हैं कि हलक करना सुन्नत है और हलक करने वालों के लिए दो मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। लेकिन यहाँ पर उलमा इत्तेफाक लिखा है जब बंदा हज के लिए जाए तो वो हज के लिए जब पहला उमरा करे तो वो अपने बालों को मुकम्मल न मुड़वाए, एक तो उसके ऊपर नशी चला दे या अपने बालों को कम कर, क्योंकि जब वो हज के लिए जब उमरा करेगा तो उसके पास ज्यादा बाल बाकी है वो ज्यादा तौर हो सकती है। ये सबसे बड़ी बात। अब इसके बाद जब पहला उमरा मुकम्मल हो गया अब हज के अंदर उन दिनों के अंदर इबादतों को करना है, लेकिन हज के दिन शुरू होने से 3 दिन पहले या 5 दिन पहले ना तवाफ करना है ना उमरा करना है, सिर्फ नमाज के लिए आना है वहां पर बैठ कर जिक्र अज़कार करके अपने बदन को फारिग करना है ताकि बदन को 5 दिन जो हज है उसमें थके नहीं फारिग रहे। तो पहले ही उमकर और 2 दिन तो उलमा कहते हैं कि वहां पर जिसियत के अंदर तुम इसीलिए वहां पर बहुत सारे लोग अब आज से जितने को जब हज का दिन शुरू होता है जहाँ पर फजर की नमाज पढ़ने के बाद मीना आता है कुछ लोग आज से भी ले जाते कि तहज्जुद पढ़ कर निकलता है तो फिर रात के शुरू के हिस्से से आते के हिस्से से मीना के लिए निकलते। एक वाकया हुआ था आज से 3 साल पहले मक्का मुकर्रमा के अंदर था कि रूम के अंदर 8 लोग थे बिना जाने के लिए 3 लोग मगरिब बाद निकले 2 लोग ईशा फजर निकले और जो बाकी के 3 लोग थे उन्होंने